रेस्क्यू टीम लगातार मजदूरों को बचाने का युद्ध स्तर पर प्रयास कर रही है। इसी बीच टनल के बाहर एक आकृति नजर आ गई है जिसे स्थानीय लोग चमत्कार मान रहे हैं। देखिए, इसी बीच सिलकियारा टनल से एक बहुत बड़ी खबर सामने आई है। टनल के बाहर जहां बौक नाग देवता को स्थापित किया गया है, उसके ठीक पीछे चट्टान पर पानी का रिसाव हुआ है जिसमें एक आकृति बनती हुई दिखाई दे रही है। स्थानीय लोग इस आकृति को चमत्कार मान रहे हैं और दावा कर रहे हैं कि ये साक्षात भगवान भोलेनाथ की आकृति है। तो इस तरह सोमवार के दिन टनल के बाहर पानी से जो आकृति बनी है उसे यहाँ के लोग शिव से जोड़ रहे हैं। उत्तरकाशी की सुरंग में फंसे 41 मजदूरों को बाहर निकालने के काम में तेजी तो आई है, लेकिन टनल एक्सपर्ट्स को भारी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ा है क्योंकि सुरंग के मलबे में मिट्टी पत्थर के अलावा लोहा स्टील भी है जो समय समय पर बाधा पैदा कर रहे हैं। इसीलिए समय समय पर अड़चने आ रही हैं, जिससे इंतजार भी लंबा होता जा रहा है। कभी मशीन खराब हो रही है तो कभी दूसरी परेशानी खड़ी हो जाती है। अड़चने आने के पीछे स्थानीय लोग जो दावा कर रहे हैं वो बेहद ही चौंकाने वाला है। लोगों का कहना है कि देवता को नाराज करने से ही उत्तरकाशी में सुरंग हादसा हुआ। इकतालीस मजदूरों को टनल में फंसे हुए 16 दिन हो चुका है। इन 16 दिनों में एक चर्चा यहां पर बौखनाग बाबा की रही। बौखनाग बाबा यानी नाग देवता, और जिनके नाराजगी यहां लोगों ने बताया कि उनकी नाराजगी कि उनका मंदिर जब तोड़ा गया तब लोग टनल में फंसे, यहां पर मलबा गिरा और 16वें दिन यहां पर एक आकृति गांव वालों के बीच चर्चा का विषय बनी हुई है। हमारे साथ गांव वाले, आपका नाम पहले आप बता दीजिए। मेरा नाम खुशराज सिंह परमार है। आप लगातार यहां पर आ रहे हैं और आज एक तस्वीर मैं आपको दिखाऊं जो आज खास चर्चा का विषय बनी हुई है। आप देखिए, ये टनल के बाहर बाबा बौखनाग का एक मंदिर जो स्थापित किया गया उसके पीछे भगवान शिव की आकृति जैसी बनी है जो गांव वालों का कहना है। और मेरे साथ खुशराज सिंह परमार जी मौजूद है। ये जो तस्वीर है, आप लोग आज इसको लेके बड़े खुश हैं, आपका कहना है कि हम क्या सारे लोग जितने हम लोकल लोग हैं, यहाँ के लोग हैं, स्थानीय लोग हैं, आज बाबा भोलेनाथ प्रकट हो गए हैं। आज 16 दिन है, पर्व का दिन है और सोमवार है, आज हमारे भोलेनाथ प्रकट हो गए हैं। आप देख रहे होंगे जो छोटा मंदिर यहाँ टूटा हुआ था वो बौखनाग जी का, आज छोटा मंदिर बौखनाग जी का है और आज सोमवार के दिन जो है हमारे भोले बाबा प्रकट हो गए हैं। और बोलो भोले बाबा की जय, उसके आशीर्वाद से हमारे जो 40 लेबर अंदर फंसे हुए हैं उनके आशीर्वाद से जो है आज जल्दी से जल्दी वो बाहर आने के आशीर्वाद मांग रहे हैं हम भोले बाबा से। और जय भोले बाबा के सब लोग। स्थानीय लोगों का कहना है कि टनल के प्रोजेक्ट के शुरू होने से पहले सुरंग मुहाने के पास एक छोटा सा मंदिर बनाया गया था जो बौखनाग देवता का था, जिसके बाद स्थानीय मान्यताओं को ध्यान में रखते हुए अधिकारी और मजदूर पूजा करने के बाद ही सुरंग के अंदर दाखिल होते थे। बारह नवंबर यानी दिवाली के दिन यह हादसा हुआ जब टनल का मलबा नीचे आ गिरा। लोगों का ये भी कहना है कि दिवाली से कुछ दिन पहले कंस्ट्रक्शन करने वाली कंपनी ने बौखनाग मंदिर को वहां से हटवाया था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। और इस बीच बड़ी खबर मिल रही है हरिद्वार से। यहां पर गंगा स्नान कर लौट रहे पिता पुत्र समेत 3 लोगों की सड़क हादसे में मौत हो गई। बहादराबाद इलाके में हाईवे पर पुल से कार के टकरा जाने से हादसा हुआ। गाजियाबाद से परिवार गंगा स्नान के लिए हरिद्वार आया था। बताया जा रहा है झपकी आने की वजह से हादसा हुआ था।